हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती सभी फ्रेंड्स बना बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों का ढेर सारा प्यार। तो माँ काली के साथ आज सामने बैठ के ब्लॉग को स्टार्ट किया। माता रानी का सब लोग अच्छा रहे, माता रानी का आशीर्वाद रहे और माता रानी का सबके ऊपर साथ रहे। तो इसी से आज माँ के दर्शन करा के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो चलो अभी टाइम देखो कितना हो गए हैं, 9 बज गए हैं। मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गए, नहा भी लिया है। बस आज थोड़ा सा डाउन चल रहा है आज मेरा। तो चलो चाय बनाती हूँ, सबसे पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। क्योंकि इतना लेट हो गया तो समझ सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ होगा, थोड़ा तबीयत डाउन है। तो चलो चाय बना के चाय पीते हैं, उसके बाद बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग में बनाऊंगी मैं छोले, और छोले भिगा दिया था सुबह 5 बजे तक भिगाई थी छोले को, तो एकदम देखो भीग गए अच्छी तरह। तो इसको बॉईल कर लूँगी पहले, और मैंने इधर चाय बैठा दिया, चाय भी बैठा दी मैंने। तो आजकल मैं मॉर्निंग में ब्लैक टी पी रही हूँ, तो बिस्किट और चाय, तो ये मेरा और हस्बैंड का पी लूँगी। और मैंने यहाँ पे चना भिगा दिया, और रात का जितना बर्तन था ना सब धो दिए थे रात को ही, तो अभी ये सबको भी रखना है। तो जब तक ये हो और हम चाय पी लें, तो पहले चाय पी लेती हूँ। चाय पी के उसके बाद मैं बर्तन अर्तन पर रखूँगी, उसके बाद आटा गूंदना है तो आटा भी गूंदना पड़ेगा। तो चलो चाय पी लेती हूँ पहले। तो ये मैंने आटा देखो गूंद लिया है आटा, और गूंद बहुत मुश्किल से गूंद लियो आज आटा मैंने। तो यहाँ पे मैंने रखा है कल रात जो मसाला पीसी थी चिकन के लिए, उसी में से मैंने इतना बचा दिया था क्योंकि ज़्यादा हो रहे थे। तो ये मेरा छोले में हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने चावल बैठा दिया था, चावल भी हो ही गया। और देखो कल मैंने दोनों का ये एक का तो टूट गया था, दूसरे का भी मैंने तोड़ दिया। तो अब ये कढ़ाई भी साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा ये साफ़ होने में, तो ये साफ़ हो जाएगी। तो चलो पहले मैं छोले तैयार करके बैठाती हूँ। और तो मैंने पूरी देखो बेल लिया, और थोड़े तेल में डाल दिया, बहुत तेल नहीं डाला। तो ये हो जाएगा, और आज हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो फिलहाल तो इतना पूरी बना लिया है, आटा रख दिया, इतना पहले पैक कर देती हूँ, जब गरम गरम खाएंगे जब ही बना दूंगी, तो इतना पहले पैक कर देती हूँ। तो देखो बहन आ गई है इसकी, और ये पंजाब से आ गई, और हमें पता ही नहीं था कि आ रही है। तो सुबह ही फोन आ गए, बेटा ऑफिस जाने वाले, तभी फोन आए कि आ रही है। तो चलो इसका दोज आज भी बन गए और कल भी बन गए थे, तो बहुत दूर से आई है बहन।
और ये बता के नहीं आती है ना, बता के पहले तो पता चले कि आ रही है, तो हमें पता ही नहीं है कि आ रही है। तो चलो आई है तो बांध ली, ये इसकी बेटी। दिखा 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 इधर देख, अरे उसका ही है, निमी का है, निमी का है, काके का ही है। और ड्रामो क्या है भाई साहब, क्या दे दिया ये? ओए डॉगी डॉग कितनी करेगा, तू बता के नहीं आती, इसे आके एड्रेस ले जा रहती हूं, एड्रेस ले लो। चलो फिलहाल तो कुछ कर, सुनो गुड्डू दीदी का पैर भी नहीं छुआ गया ट्रेन से, पैर भी नहीं छुआ गुड्डू दीदी का। क्या नहीं जाते, कोई बात नहीं, मैं नहीं लेती, तो मैं क्या लेती, ये रखो। तो ये मेरा बेटी का दूसरा भाई, वो आज आया है, तो वो अभी दोज कर रही है। नडी हट जाओ, हट जाओ नडी, हट जाओ, हट तो हम लोगों में तो चंदन का होते हैं और इधर होते हैं सिंदूर का, तो सिंदूर का ही वो लगाई है, तो मतलब कुमकुम का होता है तो वो लगाई है, और बस कुछ यही सबसे बड़ा दिन होता है कि भाई बहन की एक बड़ा दिन, रक्षाबंधन, भाई दूज, ये सब बहुत प्यारा दिन है। इन दिनों को अनमोल, इससे अनमोल तो कुछ होता ही नहीं, भाई बहन का जो एक रिश्ता। तीन बार देते सुनी, हाँ ओ सर पे पूरा ही खिला दो। अब आज के लिए सोनी सबको आशीर्वाद देगी। अब ये क्या देगी, ये तो दिया तो बस हो गए इनकी, बस बस देखो नॉडी, अब एक दिन तो देना ही चाहिए, अब इसको एक दिन ही दे रहे, रोज नहीं देते। कल बहुत मांग रहे थे नहीं दिया, और आज ये मांग रही है, खबे से खाएगी नहीं पूरा, ये देखो खाएगी नहीं, बस उसका हुआ है, देखो नहीं खाएगी, चाहिए पर देख खाएगी नहीं, देख खाएगी नहीं। ये है पोपो, ये है दूसरा, तो इसकी भी तो बहन छोटी है, तो इसको भी लगा देते हैं, इसको भी राखी बांध देती हैं। बेचारे को उठा दिया, बैठने नहीं दे रही। ले खाले 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 खाले, हाँ। और अभी मैंने अपने लिए बनाए दो पराठा, तो ये दो पराठा खाना खा के, और देखो सारा किचन क्लीन करना है। अब बना रही मैं थोड़ा सा और चाय, आज कटोरी में चाय बना दिया है, और आज तबीयत डाउन की वजह से कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और आज बेटी ने सारा तय लगाए, जैसे लगाए ठीक लगाए, अच्छा लगाए, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो थोड़ा सा चाय पीऊँगी ना, तो थोड़ा सा चाय पी के मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसके बाद मैं फिर काम करूँगी। तो चलो चाय पी के पराठा के साथ ही चाय पीऊँगी, सब्जी नहीं खाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ।
तो ये मछली का सीड रख दिया था, तो मेरे को पसंद है ये, तो इसको मैं फ्राई कर लिया और इसको बनाऊंगी। थोड़ा सा बैंगन काट लिया, आलू काट लिया, प्याज और लहसुन, तो इससे थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी खाने के लिए, क्योंकि ना मन कर रहा है थोड़ा सा चटपटा खाने के लिए, और फिश खाने को नहीं मन कर रहा, बस इसको खाने को मन कर रहा है। क्योंकि जब तबीयत ख़राब लगता है ना या होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ चटपटा अच्छा लगता है, तो इसीलिए ना मैं इसको बना रही हूँ। और इसको अच्छी तरह थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, प्याज को थोड़ा फ्राई हो जाए, उसके बाद ना मैं बैंगन डाल के बनाऊँगी। तो चलो बना लेती हूँ। और एक बर्तन भी पड़ा है मुझे धोने के लिए, उसे भी धोना है, तो बना के फिर रख देती हूँ, तो दिखाती फिर आपको उसके बाद ही। तो अभी लंच करेंगे, और मेरा और बेटी का लंच है, और लंच करके तो इसी यहीं पे मैं अपना वीडियो को एंड कर देती हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए लंच करते करते वीडियो को दिखा के, मतलब लंच दिखा के वीडियो को एंड कर देती हूँ। फिर मिलूँगी नया ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा रहना, खुश रहना, हंसते रहना, स्माइल करते रहना।